साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वेद पुराण शास्त्रों में बताई गई वो बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम बात करेंगे नहाने से संबंधित। साथियों, नहाने से न केवल शरीर की गंदगी दूर होती है बल्कि थकावट भी कम हो जाती है। हालांकि सर्दियों के दिनों में नहाना अपने आप में एक सजा जैसा होता है, लेकिन अगर आप नहाने के पानी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको डाल दें तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। जब किस्मत साथ देती है तो नहाने में सजा नहीं बल्कि मज़ा आने लगता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि नहाने के पानी में कुछ ऐसी सामग्री डालें तो इससे न केवल आपका भाग्य साथ देगा बल्कि कुंडली दोष भी दूर हो जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि भाग्य को प्रबल बनाने के लिए हर रोज नहाने के पानी में काले तिल मिला लें और फिर नहा लें। ऐसा करने से भाग्य तो साथ देगा ही, साथ में दरिद्रता भी कोसों दूर भागती है। यदि अगर आप सफ़ेद तिल मिलाकर स्नान करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है, पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध भी मजबूत होते हैं। इसके अलावा नहाने के पानी में थोड़ी सी केसर और इलायची मिलाकर नहाना भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपका बुरा समय खत्म हो जाता है और जल्द ही अच्छे दिन की शुरुआत होने लगती है। वहीं अगर आप नहाने के पानी में दूध मिलाकर स्नान करेंगे तो ऐसा करने से आपको रोगों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है। इसके अलावा अगर आप नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डालकर स्नान करेंगे तो आपके आसपास मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनती है, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। वहीं अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा सा घी मिला लें तो इससे आपको रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और त्वचा भी चमकदार रहती है। इसके अलावा अगर आप नौकरी में इंटरव्यू या व्यवसाय के किसी काम की वजह से बाहर जा रहे हैं तो सुबह स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लें। ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा और सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। अगर आप नहाने के पानी में संबंधित चीज़ें जैसे गुलाब जल, चंदन, इत्र इत्यादि मिला लें तो आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और कर्ज से मुक्ति भी मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप किसी नदी में स्नान करने जाते हैं तो नहाते समय भजन कीर्तन करना या भगवान का नाम लेना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। वहीं अगर आप सभी चीज़ों के साथ मंत्रों का जाप भी करते हैं तो अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप किसी नदी या तालाब में स्नान करने जा रहे हैं तो पानी के ऊपर ओम लिखकर तुरंत डुबकी मार लें। ऐसा करने से स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है और ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं और नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे उपाय जो कि वेद पुराण शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताए गए हैं। आप भी अगर अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो इन उपायों को अपना सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ। अगले